तो ये देखा आपने, क्या लापरवाही यहां पर नजर आई है। हालांकि आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे बेमेतरा की, जहां जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 युवक एक कुएं के अंदर मोटर पंप निकालने के लिए उतरे थे और इसी दौरान जहरीली गैस का रिसाव होने के कारण युवक जब काफी देर तक कुएं से बाहर नहीं आया तो एक दूसरा युवक जो है कुएं में गया उसे बचाने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद जब तीसरा युवक भी बाहर नहीं आया तो इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। देखा गया कि तीनों की ही जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई है और ग्रामीणों ने घटना की जानकारी फिर पुलिस को दी। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां कोटा में एक बार फिर मलेरिया के 14 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या 115 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर इलाज कर रहा है। झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई भी हुई है। झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से जान जा चुकी है। 5 मलेरिया पेशेंट की मौत हो चुकी है। तो 5 मलेरिया पेशेंट की मौत हो चुकी है। लगातार इलाके में मलेरिया के केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे कि चिंता बढ़ चुकी है कि आखिर कैसे कंट्रोल में किया जाए। हालांकि एक तरफ प्रशासन और तमाम जो निगम है उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या वजह है जो मामले नहीं थम रहे मलेरिया के? देखिए, जो ये कोटा वाला जो इलाका है जहां पर 54 गांव को सेंसिटिव घोषित किया गया है, वहां पर पिछले कई सालों से मलेरिया के जो मरीज है वो निकल कर सामने आते रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग वहां पर जरूर कैंप लगाकर मरीजों का इलाज करने का दावा करता है, लेकिन हालात अभी कुछ ज्यादा बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अब तक के एक्टिव केसों की संख्या देखेंगी तो 115 हो गई, वहीं रोज नए 10 से 14 जो मामले हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे ही 5 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। जो मौत हुई है उसका कारण ये बताया जा रहा है, जो ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में रहने वाले जो झोला छाप डॉक्टर है या भूख झाड़ करने वाले, उनसे ये इलाज करा रहे थे। तो कुल मिलाकर सवाल जो है स्वास्थ्य विभाग पर उठने लगा है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि स्वास्थ्य अमला वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां पर लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, और अब जाकर जब पहुंचा है तो लगभग 36 झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो वहां पर जो DTT का छिड़काव किया जाता है, मच्छरदानियों को वितरण किया जाता है, क्या वो समय पर किया जा रहा है? क्या क्या जन जागरूकता अभियान चलाई जाती है क्या उन इलाकों पे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि वहां पर अभी स्वास्थ्य विभाग जब से ये पूरे मामले निकल कर सामने हैं, कैंप लगाकर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है, मरीजों का इलाज कर रहा है और कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को आइडेंटिफाई करके उनका तत्काल इलाज किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। और इधर बस्तर में मलेरिया के बाद डेंगू ने दस्तक दे दी है। यहां 17 डेंगू के मरीज मिले हैं। 15 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इधर डेंगू की दस्तक से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। विभाग की टीम घर घर पहुंचकर लोगों को अलर्ट कर रही है। डेंगू हमारे यहाँ पिछले साल की बनिस्बत बहुत नियंत्रण में है। हमारे शहर में मात्र 17 केस हैं और इसमें मैक्सिमम जो है IgM पॉजिटिव वाले हैं। रिसेंट इन्फेक्शन का 30-40% के आसपास है, मतलब 17 में ले देखिए आप 8-10 जो है IgM होंगे पुराने, जैसे इन्फेक्शन वो। कोरबा में डायरिया मलेरिया के साथ अब डेंगू का भी खतरा बढ़ गया है। वनांचल क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और पिछले 15 दिनों में लेमरू और श्यांग क्षेत्र में 250 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। इनमें ज्यादातर मरीज मलेरिया के हैं, 6 मामले डायरिया के हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रहा है।
हम नकिया पंचायत के विमलता गांव में मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस क्या हाल है सर्दी खांसी बुखार और उल्टी दस्त को लेकर। जो स्वास्थ्य विभाग जगह जगह शिविर लगा रहा है और इलाज भी कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम यहाँ गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बच्ची है जो बीमार है और वो उसका इलाज अभी चल रहा है और स्वास्थ्य अमला जो है उन्हें दवाई देकर यहाँ से गया है और बताया जा रहा है कि वो बुखार और उल्टी दस्त से वो पीड़ित है और ये यहाँ पर ग्रामीण मौजूद उनसे बात करेंगे। कब से ये दिक्कत है उल्टी दस्त के और ये समस्या कब से? एक एक दो हफ्ता हो गई इसे। और कितने लोग बीमार हैं यहाँ? यहाँ बनिश लोग बीमार हैं अभी। फिर भी कितने लोग, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग हैं? हाँ सब लोग हैं। क्या क्या शिकायत है तबीयत में, क्या क्या? मलेरिया, उल्टी डट्टी, बस इतनी है। स्वास्थ्य विभाग यहाँ आ रहे हैं, शिविर वगैरह लगा रहे हैं? हाँ लगा रहा है। दवाई वगैरह आप लोग को मिला है? हाँ मिला है, गंदा पानी आता है। अच्छा, उसीलिए। क्या बोले अधिकारी लोग यहाँ आए थे तो? उसने तो बोला गंदा पानी आता है, उसमें बीमारी होता है कह के। साफ पानी पीने के लिए बोले? हाँ साफ पानी पीने के लिए बोला है। बिलासपुर के रतनपुर में डायरिया से मौत के मामले लगातार आ रहे हैं और एक बार फिर से 24 नए मरीज मिले हैं। एक 19 साल की लड़की की मौत हो गई है और अब तक डायरिया के 845 मरीज सामने आ चुके हैं। सिलसिला अभी भी नहीं थमा है, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं डायरिया के। दरअसल यहाँ पर जो है दूषित पानी पीने को लोग मजबूर हैं, दूर दराज तक वो जा नहीं सकते हैं और साफ पानी के लिए कई किलोमीटर की दूरी उन्हें तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से डायरिया के केसेस लगातार आ रहे हैं और 800 से भी ज्यादा केसेस अब तक बिलासपुर से ही सामने आ चुके हैं। बिलासपुर में टैगोर चौक से पुराना बस स्टैंड चौक पर नगर निगम अतिक्रमण हटा रहा है। यहाँ एक होटल, टॉकीज, कॉफी हाउस और बस सर्विस की बाउंड्री और अवैध निर्माण दहा दिए गए। निगम का बुलडोजर टॉकीज और होटल की बाउंड्री और दुकानों पर चला है। उनके संचालकों ने हंगामा और विवाद शुरू कर दिया। अधिकारियों ने उन्हें निगम और राजस्व विभाग के कागजात और नक्शे दिखाए, इसके बाद भी दुकानदार सीमांकन की मांग करने लगे। 4 घंटों के अंदर निगम ने रसूखदारों के बेजा कब्जा हटाने के साथ ही कई अवैध दुकान दहा दिए। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां होटल परिसर में बुलडोजर चला है। होटल का पोर्च नजूल की जमीन पर बनाने का आरोप है। हालांकि श्योपुर की अब बात करेंगे। श्योपुर में तेज बहाव में युवक बह गया, नदी में नहाते समय युवक बहा है, गहरे पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई है। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला है। बिलासपुर की खबर, होटल परिसर में बुलडोजर चला है और होटल का पोर्च नजूल की जमीन पर बनाने का आरोप है। वाद विवाद के बीच कार्रवाई रुकी, जांच के बाद एक बार फिर से कार्रवाई होगी। तो श्योपुर में तेज बहाव और युवक बह गया, नदी में नहाते समय युवक बहा है, गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। पिकनिक स्पॉट है मोर डूंगरी नदी, मौके पर पुलिस गार्ड तैनात नहीं है। नदी के पास सेल्फी लेने और नहाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और इस वजह से हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस गार्ड ही मौजूद नहीं है, कोई भी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैनात नहीं है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तेज बहाव में एक युवक बह गया। हालांकि गोताखोरों ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की भी, लेकिन यहाँ पर आए दिन पिकनिक मनाने के लिए लोग पहुँचते हैं, नदी में नहाते समय युवक बहा है, गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। गोताखोरों ने शव बाहर निकाला। पिकनिक स्पॉट है मोर डूंगरी नदी और यहाँ पर पानी के तेज बहाव होने के बाद भी कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है, ना ही कोई पुलिस गार्ड है, ना ही कोई सिक्योरिटी है यहाँ पर, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, यहाँ कृपया ना आए,
क्योंकि जलस्तर बहुत बढ़ चुका है नदी का। शाजापुर में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है, सड़क से नीचे जा गिरी है कार, कार सवार चार लोग घायल हुए हैं। बोड़ा से इंदौर जा रही थी ये कार, नेशनल हाईवे 52 पर अभयपुर के पास की घटना है और इस कार की तस्वीर आप देख रहे हैं जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हादसे का शिकार जो कार हुई है, चार लोग घायल हुए हैं इस कार हादसे में। और अब एक ऐसी खबर जो थोड़ा चौंकाने वाली है। दरअसल बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र से 25 गधे गायब हो गए और पुलिस शहर में गधों को ढूंढ रही है। चार दिनों बाद भी गधे घर नहीं पहुंचे तो गधों के मालिक कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस से गधे ढूंढने की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गधा मालिकों ने कहा है कि गधा ही परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है, गधों के बिना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी ने जांच के लिए गधा मालिकों को आश्वस्त किया है। 25 गधे गायब हुए और मालिक की नींद उड़ गई है। मालिक का कहना है कि एकमात्र यही साधन है, परिवार का गुजारा कैसे होगा। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अभी जांच पड़ताल में जुट गई है। गधे घूम गए? हाँ। कहाँ पर? ये बस स्टैंड के एरिए से अनवारा पाले बाजार इधर रहते थे। पानी आने आया तो उस दिन सामने खोल दिए थे। शाम से फिर 4 बजे आए तो गधे कुछ किसी नहीं, और बच्चे मिले थे। तो अभी आप कहाँ पर आए? यहाँ छोटी कोतवाल से। नहीं, अभी 2-3 गधे स्वामी आए थे, बताया कि बोले साहब हमारे गधे, हम प्रतापपुरा शिकारपुरा क्षेत्र में रहते हैं और हमारे गधे 2-3 दिन पहले कहीं पानी में घर से छोड़े थे तो आए नहीं हैं। हम कैमरे चेक करवा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में गधे आए भी कि नहीं आए, और बारिश के दिनों में क्या है, जानवर वैसे भी मक्खी और पानी से बचने के लिए इधर उधर या घास मिलता नहीं तो इसके लिए इधर उधर चले जाते हैं। जिनको तलाश कर रहे हैं, यदि हमारे क्षेत्र में अगर आते दिखे, कई कैमरे में दिखेंगे, तब उनकी तलाश करेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। एनएमडीसी का डैम टूटने से बाढ़ की चपेट में आए किरंदुल शहर में पानी बढ़ रहा है। प्रशासन लोगों से घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कह रहा है। कांकेर के कई गांव टापू बन चुके हैं और कुइलीबेड़ा की मेंढकी नदी उफान पर है। ऐसे में ग्रामीण साप्ताहिक बाजार भी नहीं जा पा रहे, तो बिलासपुर में भी बारिश का पानी घरों में घुस चुका है। गरियाबंद के मैनपुर कला में नाला में बाढ़ आ चुकी है और इसके साथ ही बीजापुर भोपालपट्टनम ब्लॉक के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नेशनल हाईवे तारलागुड़ा और नेशनल हाईवे 63 पर भी जो पुल हैं उनके ऊपर से पानी बह रहा है। तो इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार हो रही बारिश की वजह से किरंदुल के निचले बस्तियों में भी पानी भर चुका है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, राहत बचाव का काम चल रहा है। पिछले 2 दिनों से और भी तेज बारिश हो रही है, तो वहीं एनएमडीसी का डैम फूटने से भारी तबाही आ चुकी है। बारिश से लोग बहुत परेशान हैं, घरों में पानी भरा है, कई महिलाओं को रेस्क्यू करके बचाया गया है। तो दंतेवाड़ा के अलावा बीजापुर की अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। बीजापुर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नेशनल हाईवे 163 तारलागुड़ा और नेशनल हाईवे 63 पर बने पुल पानी में बह रहे हैं, जिनकी वजह से गांव का शहर से संपर्क टूट चुका है। इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से भैरमगढ़ में हालात खराब हैं और 50 से ज़्यादा घरों में पानी भर चुका है। कांकेर में भी यही हाल है। कांकेर शहर में बारिश का जो पानी है वो घरों में दुकानों में घुस चुका है, घरों में घुटने तक पानी है और गली मोहल्ले की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। दुकानों में पानी भरने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। चक्का जाम कर लोगों का कहना है कि इस समस्या का हल निकाला जाए, वरना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बलौदाबाजार में भी यही हालात है। बलौदाबाजार में दलचूरा बांध टूटने से
गणेशपुर गांव में पानी घुस चुका है और गांव के रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में कई लोग पानी में फंस चुके हैं और पुलिस के जवानों ने कंधे पर बैठाकर बच्चों को बचाया है। बलौदा बाजार के अलावा बस्तर का भी यही हाल है। बारिश से झरनों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। चित्रकोट जलप्रपात के नज़दीक मेदरी घूमर जलप्रपात की सुंदरता देखते ही बन रही है। पहाड़ों के बीच इस झरने को देखने के लिए पर्यटक बहुत दूर दूर से पहुंच रहे हैं और काफ़ी ऊंचाई से गिरता जलप्रपात पर्यटकों को लुभा रहा है। सुखदेव मुनि की तपोस्थली कहे जाने वाले नीमच जिले के जावत तहसील के तहत आने वाले सुखानंद धाम में 71 फीट ऊंचा झरना शुरू हो गया है, जिसका नज़ारा भाव विभोर कर देने वाला है। बता दें कि सुखानंद धाम में एमपी और राजस्थान के हजारों श्रद्धालु बारिश के दिनों में आते हैं, बहुत लोग आते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ ही यहाँ झरने का लुत्फ उठाते हैं। प्रत्येक वर्ष सावन मास में यहाँ मेला भी लगता है। तो मरने लगे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाले लोग यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा जो नज़ारा है वो भाव विभोर कर देने वाला है। शाहजहाँपुर में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है और सड़क से कार नीचे जा गिरी है।